हेलो फ्रेंड्स, कल प्रेजेंट सब्जंक्टिव मोड के बारे में आपसे चर्चा हुई थी और प्रेजेंट सब्जंक्टिव मोड जो है आपका, ये स्पीकर का इंटेंशन बताने का काम करता है। और जब स्पीकर का इंटेंशन पता चले तो उसमें हम सिर्फ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, चाहे इंटेंशन दिखाया जा रहा है स्टेट से संबंधित, एक्शन या पोजेशन से संबंधित, हम सिर्फ अलाउड हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के लिए। और ख़ास तौर से ये बात हमें समझना चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड, ये दोनों वर्ब के फॉर्म्स होते हुए भी दोनों के फंक्शन अलग अलग हैं। तो प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड से कुछ सवाल मैं यहाँ रख रहा हूँ, ज़्यादा सवाल नहीं रख रहा हूँ, लेकिन कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं कि थोड़ा बहुत जो कन्फ्यूज़न होगा वो मैं क्लियर कर सकूँ बस। तो प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड, प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड अगर कोई पूछे कि क्या होता है, तो ये आपको बताना है कि वर्ब्स का फॉर्म ही होता है, लेकिन ये जो वर्ब्स का फॉर्म है टाइम नहीं बताता है टेंस के तरह, बल्कि स्पीकर्स का इंटेंशन बताता है। और जब स्पीकर का इंटेंशन बताना हो तो हमारे पास एक ही चॉइस है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाए। जैसे एक्शन बताना है तो डू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, स्टेट बताना है तो बी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, और पोजीशन बताना है तो हैव वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। तो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आप यूज कर सकते हैं, चाहे अगर आपको एक्शन बताना हो, स्टेट बताना हो, या बताना हो आपका पोजीशन। तो कुछ ऐसी बातों को हम चर्चा कर रहे हैं जो हमने लिखा था पिछले क्लास में, उसको कंक्लूड करके आप समझ लीजिए। कुछ क्वेश्चंस यहाँ रख रहे हैं, जैसे अगर मैं कहता हूँ कि आई ऑर्डर दैट ही इज ऑन टाइम एट द पार्टी, दूसरा क्वेश्चन है आई रिक्वेस्ट दैट सी डज नॉट टेल अ लाई। ये सारे क्वेश्चंस को देखिएगा और इंटेंशन समझने की कोशिश करिए कि राइटर कहना क्या चाहता है। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ आई एडवाइज दैट ही हैज एंथुजियाज्म फॉर दिस एम्बिशियस प्रोजेक्ट। इट इज essential that he works tooth and nail। It is indispensable that the door paint soon। देखिए पांच सेंटेंस लिखा गया है, इसमें बस हम कॉन्क्लूड करके बात करेंगे कि प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड की जब हम बात करें तो इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझने का भूल नहीं करना है। हालांकि प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दोनों वर्ब के फॉर्म हैं, तो प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड जो यहाँ पे लिखा हुआ है इन शॉर्ट कि स्पीकर्स का इंटेंशन बताता है। तो प्रेजेंट सब्जंक्टिव का मूड का जब भी हम यूज़ करेंगे तो वो यूज सिर्फ और सिर्फ दैट क्लॉज में ही होता है, सिर्फ और सिर्फ दैट क्लॉज में। तो ये पांचों वाक्य जो आप देखेंगे उसमें सारे में जो सबॉर्डिनेट क्लॉज शुरू हुआ है वो दैट से ही शुरू हुआ है। तो ये एक आपका परपिचुअल या क्या, ये जो है आपका एकदम सॉलिड क्लू है कि जब भी हम प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड का यूज़ करेंगे
तो वो दैट क्लाउज से ही शुरू होने वाले क्लाउज में प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड का यूज़ होगा। तो सारे क्लाउज में दैट का प्रयोग हुआ है, ये देख पा रहे हैं आप, सब में है ना दैट क्लाउज, तो दैट से शुरू होगा, ये पहली बात। दूसरा, कुछ वर्ब हैं जैसे आई ऑर्डर है, आई रिक्वेस्ट है, आई एडवाइज है, तो कुछ वर्ब हैं, सम वर्ब्स अट्रैक्ट प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड। कुछ वर्ब जो हैं ये प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड को अट्रैक्ट करता है। इन द प्रेजेंस ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ सबॉर्डिनेट क्लाउज ए स्टार्टिंग विद द कंजंक्शन दैट। कुछ वर्ब हैं और यहाँ वर्ब के साथ साथ आप लिख सकते हैं कि कुछ एडजेक्टिव्स भी हैं। कुछ वर्ब्स और एडजेक्टिव्स जो हैं ये आपके प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड को अट्रैक्ट करता है, लेकिन वहाँ पे दैट का होना अनिवार्य है। तो जैसे यहाँ पे वर्ब लिखा गया है आई ऑर्डर, तो पढ़ के देखिए, मैं ऑर्डर करता हूँ, मैं आदेश देता हूँ कि वह पार्टी में टाइम से पहुँचे। तो मैं आदेश देता हूँ कि वह पार्टी में टाइम से पहुँचे, यह मेरा इंटेंशन है। तो जब हम इंटेंशन बताने का काम करेंगे तो इंटेंशन हमें पता चलेगा कुछ वर्ब से जो यहाँ दिया हुआ है और दैट से पता चलेगा। तो यहाँ ऑर्डर यानी वर्ब और दैट दोनों के मिलाने के बाद आप श्योर हो जाइए कि दैट के आगे हमारे पास एक ही चॉइस है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो इज़ किसका फिफ्थ फॉर्म है, बी स्टेट का, तो फर्स्ट फॉर्म होता है बी, तो यहाँ पे बी का प्रयोग करेंगे। या जहाँ पे प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड जो इंटेंशन बताता है, तो यही इंटेंशन बताने का काम मोडास भी तो करता है, तो आप बी का भी प्रयोग करेंगे या बी के सब्स्टिट्यूट के रूप में शुड बी का भी प्रयोग करेंगे। तो ये मोडास का यूज़ हम लोग धड़ल्ले से करते हैं, लेकिन एग्ज़ाम्स में हमेशा प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड को की जहाँ ज़रूरत है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, वहाँ प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड की जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल के हिसाब से वाक्य को बना देगा। तो ये डिफ्रेंशिएट अगर कर लेंगे तो बहुत सारे सवाल जो SSC और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं उनसे हम अपने आप को बचा लेंगे। तो चीज़ों को रिलेट करके देखिए, जैसे यहाँ पे भी देखिए कि आई और यहाँ पे ये गलत हो गया, आई रिक्वेस्ट, तो ये वर्ब जो है, ये वर्ब भी जो है आपका प्रेजेंट सब्जंक्टिव मोड अट्रैक्ट करता है, लेकिन तब अट्रैक्ट करेगा जब अगला क्लाउज जो है दैट से बने। तो यहाँ भी दैट से बन रहा है, तो ये वर्ब और दैट दोनों को रिलेट करके देख लिए, तो अब हम समझ गए कि आगे वाला दैट से शुरू होने वाले क्लाउज में प्रेजेंट सब्जंक्टिव मोड की ज़रूरत है। तो प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड के लिए हमारे पास वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए। तो यहाँ पे डजंट टेल जो लगाए हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल आप फॉलो कर रहे हैं। डज हमारा डू का फिफ्थ फॉर्म होता है, तो यहाँ पे डजंट टेल गलत है, यहाँ पे होना चाहिए नॉट टेल, या मोडास का यूज कर सकते हैं शुडंट टेल। तो यहाँ पे डजंट टेल या शुडंट टेल ये दोनों करेक्ट है। यहाँ पे इंटेंशन बता रहे हैं हम, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे वो सवाल है ही नहीं जो आप उसके रूल को फॉलो करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो दैट के पहले है वो सारा हमारा टेंस है, और दैट के बाद जो है वो सब हमारा मूड है। मूड जो होता है अलाउ करता है हम लोगों को कि स्पीकर के इंटेंशन को समझें। यहाँ फिर से देखिए, एडवाइस भी उन्हीं वर्ब में से है जो प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड को अट्रैक्ट करता है, लेकिन तब करेगा जब आगे क्लाउज दैट से बन रहा हो। तो आई एडवाइज दैट, मैं सलाह देता हूँ कि वह उत्साह रखे इस एम्बिशियस प्रोजेक्ट के लिए। तो मैं सलाह देता हूँ कि वह उत्साह बनाए रखे, उत्साह रखे इसके लिए। तो यहाँ पे हमारा इंटेंशन पता चल रहा है, तो इंटेंशन बताने के लिए हमारे पास वर्ब का कौन सा फॉर्म है, प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड में सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। तो आप यहाँ चाहें तो हैव का प्रयोग करें, अगर हम इस बात को नहीं समझेंगे तो ही और हैव ऐसा तो कोई कॉम्बिनेशन देखा ही नहीं है, तो हमेशा गलत लगेगा, लेकिन ये बिल्कुल सही है, शुड हैव ये बिल्कुल करेक्ट है, हैव बोलिए या शुड हैव बोलिए।
अब इसी तरह से मैंने लिखा कि कुछ एडजेक्टिव्स जो हैं ये भी अट्रैक्ट करते हैं आपके प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड को, तो इट इज़ एसेंशियल, यह ज़रूरी है कि वह कड़ी मेहनत करे। तो यह मेरी इच्छा है, यह मेरा इंटेंशन है कि मैं कह रहा हूँ कि ये ज़रूरी है कि वह मेहनत करे, तो ये इंटेंशन की बात हो रही है। यहाँ पे वर्क्स लगाना गलत है, यहाँ पे वर्क्स की जगह होना चाहिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी वर्क लगाएं तो भी सही है और शुड वर्क लगाएं तो भी सही है। इन दोनों में से जो ऑप्शंस है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के हिसाब से, एरर के हिसाब से, लिखने के हिसाब से, समझने के हिसाब से आप यूज़ करिए। तो उसी तरह से यहाँ पे लिखा है इंडिस्पेंसेबल, तो इसेंशियल, इंडिस्पेंसेबल, क्रूशियल, ये कुछ एडजेक्टिव्स हैं जो अपने आगे हमेशा प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड को अट्रैक्ट करता है, लेकिन तब जब दैट क्लाउज हो, ये अनिवार्य रूप से ये होना बहुत ज़रूरी है। तो फिर यहाँ पे पेंट तो सही लग रहा है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से पूछा जा रहा है कि क्या पेंट करना, यानी कि पेंट एक वर्ब का डूइंग एस्पेक्ट रखता है, तो पेंट करने का काम इसका जो सब्जेक्ट है डूअर वो कर सकता है, नहीं कर सकता ना। डूअर जो है, ये जो डोर है वो पेंट करने का काम खुद से तो करेगा नहीं, तो ये इस वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो डूअर नहीं है, नॉन डूअर है। तो नॉन डूअर है तो ये वाक्य जो है ना पैसिव में बनाया जाएगा। तो प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड का जब पैसिव बनाते हैं तो बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं नॉन डूअर के बाद। तो यहाँ पेंट के जगह होना चाहिए बी पेंटेड, अगर लिखें तो भी सही है, या शुड बी पेंटेड लिखें तो भी सही है। तो पैसिव के, यानी ये भी देखना होगा कि जिस वर्ब का आप यूज़ कर रहे हैं उस वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो डूअर है या नॉन डूअर है, तो उस हिसाब से पैसिव में ये सवाल पूछा गया है। तो पांच तरह के सवाल, हमने पांच सवाल को ही डिस्कस किया है। हम इसको थोड़ा सा आपको बता दें जो आप ध्यान रखिएगा कि कुछ वर्ब जो हैं वो आपका प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड को अट्रैक्ट करता है और कुछ एडजेक्टिव। तो वो वर्ब जो है उसको आप लिख सकते हैं जैसे एडवाइज है, लेकिन दैट का होना ज़रूरी है, एडवाइज, सजेस्ट, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, आस्क, आस्क, फॉरबिड, प्रोहिबिट, डिमांड, रिक्वायर, रिकमेंड, इंसिस्ट, एक्सेट्रा। और उसी प्रकार कुछ एडजेक्टिव होता है वो भी आपके प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड को अट्रैक्ट करता है, लेकिन याद रखें कि ये सारे एडजेक्टिव और वर्ब प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड को तभी अट्रैक्ट करेगा जब इसके बाद दैट से शुरू होने वाला क्लाउज है, जैसे इसेंशियल है, नेसेसरी है, इम्पेरेटिव है, वाइटल, सिग्निफिकेंट, बेसिक, फंडामेंटल, यूजफुल, मोमेंटस, इंडिस्पेंसेबल, या इसी तरह के सेंस देने वाले बहुत सारे एडजेक्टिव हो सकते हैं। तो एक बात क्लियर हो गया दोस्तों कि कभी भी प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड यूज जब करेंगे तो एडजेक्टिव और दैट से शुरू होने वाला क्लाउज, और वर्ब और दैट से शुरू होने वाला क्लाउज, और एडजेक्टिव में कौन सा इनमें से कोई हो और वर्ब में कौन सा इनमें से कोई हो, तो दैट के बाद जो वर्ब आएगा वो सिर्फ आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, डू, बी और हैव। इन सबको और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा, वर्ब से रिलेटेड जो बुक है वर्ब एरर्स का उससे बनाइए, और सारा समाधान धीरे धीरे हम आपको देते रहेंगे। अगला जो वीडियो आपको मिलेगा कल जो वीडियो डालेंगे वो पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट सब्जंक्टिव मूड में जो डिफरेंसेस है उसके ऊपर रहेगा।
तो एक बार समझाएंगे उसको और उसके बाद उस पर कुछ एक्सरसाइज भी हम देंगे। थैंक यू।